लव जिहाद नाम का शब्द ही नहीं सुना मैंने आज तक। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, किसके साथ जीना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रहना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। लव जिहाद का कानून गुजरात में भी बनने जा रहा है, ऐसा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बताया है। आइए जानते हैं गुजरात के युवाओं के पास से कि वो इस कानून के बारे में और लव जिहाद के बारे में क्या राय रखते हैं। लव जिहाद के बारे में आप क्या जानते हैं? हमने लव जिहाद का कुछ सुना ही नहीं है, अभी कुछ पता ही नहीं चला है। अच्छा, लेकिन कभी अखबार में टीवी में तो देखा होगा ना लव जिहाद। हाँ, टीवी में लव जिहाद शब्द आता है तब आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा सोचना मिलता है कि कुछ मुसलमानों का कुछ होगा वो। मतलब क्या होगा, आपने जो पढ़ा होगा सुना होगा उसके बारे में कुछ आइडिया? बस ऐसा ही टीवी में आता है कि लव जिहाद नाम कुछ है, वो कायदा है, बाकी कुछ पता नहीं। राज्य सरकार ये इसका एक्ट बनाने जा रही है, उसके बारे में आपको पता है? वो तो पता है, बट क्या उसमें आगे का बहुत जानकारी मुझे नहीं है वो। आपको क्या होता है कि ऐसा एक्ट, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मतलब एक्ट या ऐसा कुछ होना चाहिए? राज्य सरकार कर रही है तो अच्छा ही होगा ऐसा लग रहा है। गुजरात सरकार ने जो अभी परसों अनाउंसमेंट किया हमारे सीएम रूपाणी सर ने कि लव जिहाद का कानून यहाँ भी लाने वाले हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या खाऊँ, क्या पहनूँ, किसके साथ शादी करूँ। इसमें स्टेट का इंटरफियर नहीं होता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। किसके साथ जीना है, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ रहना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। एक प्रकार का ये देखा जाए तो हमें जिस दिशा में बढ़ना था देश को, हमें तो अब जातिवाद को तोड़ना था, लेकिन अब हम लौट के फिर से 1947 और उसके आगे पहुंच गए, उसके और पीछे जाने वाले हैं। तो ये जो जिस तरह का ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, तो अब तो हमको इस तरह दिशा में जाना चाहिए था कि हम अपने जाति के बंधन को तोड़ के विवाह करते और एक प्रेम का एक जो पूरा एक जो संसार जो है जो बना है प्रेम से ही चल रहा है, नफरत से तो कुछ नहीं चल रहा है। भारत में हर वर्ष 20,000 केस बताए जाते हैं, वो भी टोटल केस के 1% ही केस है, जो FIR नोधाई जाती है वही केस है। तो समझो कि सारे केस आ गए तो कितने सारे केस हो जाएंगे, और इसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए ये खूब बहुत ही जरूरी है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 1% केसेस है, तो वो किस आधार पे, मतलब कहाँ पे ये सब आंकड़े आए हैं जिसका आप आधार ले रहे हैं? हाँ, मेरे पास है उसका पेपर कटिंग है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल 1% केस है, वो FIR जो लिखाई गई है वही है, और वो 20,000 केस है प्रति वर्ष। जो मुसलमान धर्म गुरु है उन्होंने उनके युवा लोग को, युवा जो है मुसलमान धर्म के, उन लोग को बताया कि आपको ऐसे दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम में लेना है और साथ में उनके साथ शादी करके उनका उपयोग इस्लाम धर्म के लिए करना है। तो ऐसे करके ये जो कुछ प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ियां नज़र आती दिख रही है। बहुत सारी लड़कियों को इससे बहुत कुछ खोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि जान भी उनकी जा रही है।